नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ राजकुमारी। वो ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, लेकिन प्यार की भाषा को समझते हैं। ईश्वर ने उन्हें भले ही मोहताज किया हो, लेकिन उन्हें भावी जीवन के लिए समर्थ और सक्षम बनाने के लिए इस धरती पर मानवीय संवेदनाओं के साथ कुछ ऐसे लोगों को भी भेजा है जो उन्हें समझते हैं, उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। ग्वालियर में मेघा गुप्ता से ऐसे बच्चों से खास लगाव रहा है जो बोलने और सुनने में असमर्थ हैं। मेघा जब भी ऐसे बच्चों को देखती थी तो उनके मन में उनके पास जाकर बात करने की इच्छा होती थी। मेघा के संवेदनशील व्यवहार को देखकर उसके मम्मी पापा ने उसे प्रोत्साहित किया कि वह उन बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे आए। इन बच्चों को सामान्य स्कूलों में जगह ही नहीं मिल पाती, वह अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। टीचिंग स्टाफ भी इन बच्चों को पढ़ाने में समर्थ नहीं होते। परिवार के प्रोत्साहन से मेघा ने यह अनोखी पहल की और उन गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे आई है जो ना बोल सकते हैं और ना सुन सकते हैं। मेघा ने मूक बधित बच्चों की क्लास लगाना शुरू किया। आज मेघा के पास करीब 14 बच्चे पढ़ने आते हैं जिनकी उम्र 3 साल से लेकर 12 साल तक है। बच्चों की क्लास सुबह 8 बजे से लगती है और 2 बजे तक चलती है। मेघा ने अकेले ही यह क्लास शुरू की थी, लेकिन आज उसके साथ 5 और सदस्य हैं। कुछ बच्चे भिंड और कुछ डबरा से भी आते हैं, लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश सरकार का कोई भी नुमाइंदा अभी तक मेघा के पास नहीं आया जो कि उसकी इन बच्चों को पढ़ाने में मदद कर सके। क्लास का उद्देश्य तो ये है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं और जो बधिर बच्चे होते हैं उनको शिक्षा का जो माध्यम है वो प्रॉपर नहीं मिल पाता, तो यहाँ पे क्लास चलाने का यही सोर्स है कि बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ें और वो हमारे और आपके जैसी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। कितने बच्चे आपके पास आ रहे हैं अभी? अभी हमारे पास 14 बच्चों को हम लोग निःशुल्क एजुकेशन दे रहे हैं और वो सारे बच्चे हमारे 3 साल से लेके 12 साल तक की उम्र तक के हैं। अच्छा, कहीं से कोई सपोर्ट मिल रहा है आपको? लाइक फंडिंग के लिए आप बात कर रहे हैं? नहीं, गवर्नमेंट फंडिंग की या हम प्राइवेट फंडिंग की बात करें तो वैसा अभी हमारे पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है जो हमको फंडिंग मिल रही हो। अभी हमें इंडिविजुअली फंडिंग और थोड़ा बहुत सपोर्ट हमें मिल जाता है। इसमें जैसा हम लोग जो निःशुल्क बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसकी टीम में हमारे यहाँ 6 लोग हैं जो इन बच्चों को निशुल्क एजुकेशन देने के लिए रेगुलर यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। मेघा के लिए इन बच्चों को पढ़ाना भगवान की पूजा करने की तरह है। इस काम को वो पूरी निष्ठा से कर रही है। अपने सहयोगियों के साथ इस काम को कर उन्हें काफी प्रसन्नता भी मिलती है। मेघा को इस काम के लिए आर्थिक मदद मिल सके तो यह बहुत से मूक बधित बच्चों के लिए बेहतर भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। ग्वालियर से न्यूज आज के लिए भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट। और फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। और भी खबर जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज आज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।